बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको चेरी फैशन एंड क्रिएशन पर खुश आमदीद। अल्लाह पाक आप सब के लिए बहुत आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ कोट कॉलर को किस तरह बनाते हैं। कोट कॉलर बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, वो भी पट्टी के साथ, जिस तरह हम यूनिफॉर्म पर बनाते हैं। आप अपने आम ड्रेसेस पर भी इस मेथड से बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बना हुआ। मैं आपको आज बहुत ही डिटेल के साथ बता रही हूँ कोट कॉलर लगाने का तरीका, और आपको इस तरह से कोट कॉलर की इतनी डिटेल वीडियो इस मेथड में शायद ही यूट्यूब पे किसी और जगह पे मिले। तो सबसे पहले हमने अपनी शर्ट पे कॉलर की चौड़ाई का निशान शोल्डर पे लगाना है 2.7 इंचेस पर, यानी 2.75 इंच पर। और गहराई हम रखेंगे इसकी तकरीबन 3.2 इंचेस। और अब हम इस गुलाई की शेप, बहुत ज़्यादा गुलाई की शेप हमने नहीं देनी, वी प्लस गोल जो शेप होती है ना, उस तरह से हमने इसे गोल करना है। इसको कट कर लेंगे। बाद 11.5 इंचेस पे हमने अपनी पट्टी बनानी है, और उससे 1/4 इंच कम रखते हुए हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तकरीबन 10.7 इंचेस पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ तक हमने इसे कट कर लेना है। अपनी पट्टी रेडी करेंगे, उसके लिए ये देखिए मैंने एक फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन मैंने 15.5 इंचेस ली है। इसी लंबाई और चौड़ाई का एक और फैब्रिक हम ले लेंगे। और उसके बाद ये मैंने बुकरम लिया है, ये बुकरम जो हम पैंचे में लगाने के लिए यूज़ करते हैं वो वाली बुकरम है। इसे मैंने शिलिंग कर लिया हुआ है और इसके मैंने तकरीबन इसकी चौड़ाई 1 इंच है। इस बुकरम को अब हमने बिल्कुल अपने जो फैब्रिक है उसके सेंटर में पेस्ट करना है, यानी हमने ये 2 इंच कपड़ा लिया तो 1/2 इंच दोनों साइड पे हमने छोड़ते हुए सेंटर में हमने इस बुकरम को पेस्ट कर देना है दोनों फैब्रिक के ऊपर। और अब हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने बुकरम को अपने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है दोनों फैब्रिक पे। मैंने ये एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया वाइट कलर में, और जो हमने कॉलर बनाना है ये तकरीबन हमने इसकी चौड़ाई लेनी है 5 इंच तक, और इसकी जो लंबाई है वो हमने ये जो हमारी ऑलरेडी पट्टी है उसके बराबर लेनी है, तकरीबन 15.5 इंचेस। अब हमने यहाँ पे बिल्कुल ये जो हमारी बुकरम है इसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसे अटैच कर लिया है। इसी तरह हमने अपनी दोनों ये जो पट्टियाँ इन्हें इसी तरह की फैब्रिक के साथ, वाइट कलर की फैब्रिक के साथ हमने इस तरह से इसको अटैच कर लेना है। यहाँ से भी हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे इस तरह से टर्न करते हुए इसे आयरन कर लेंगे, और उसके बाद हमने दोबारा इसको इस तरह से मोड़ना है। इसे हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। हम अपनी दोनों पट्टियों को रेडी कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं आपकी हमारी दोनों पट्टियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब इन दोनों को हमने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है। यहाँ पे अब हमने तकरीबन 1/2 इंच का निशान लगाया है पट्टी के ऊपर, और ये जो 1/2 इंच की लाइन है इसे नीचे तक तकरीबन, ये देखिए 1/2 इंच तक हम नीचे तक इसे इस तरह से लाइन लगा के जुड़ा कर लेंगे, तकरीबन 3.5-4 इंच तक। तो ये लाइन जुड़ा होगी। उसके बाद ये जो हमने फ्रंट गले की कटिंग की थी वो पैटर्न हमने संभाल के रखा, और इसी को हमने यहाँ पे रखना है इसके ऊपर, और यहाँ पे हमने इसके साथ साथ कटिंग कर देनी है। रेडी होने के बाद इस तरह से कुछ शेप होगी हमारी पट्टी की। इसके बाद हमने नीचे यहाँ पर निशान लगाना है तकरीबन 1.7 इंचेस पर। इसको इस तरह से हमने तिरछी लाइन लगा के और यहाँ पे इसे हमने कट कर देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरह से बुकरम को लेना है,
और पट्टी, ये मैं आपको एक जस्ट मेथड बता रही हूँ कि आपने जो पट्टी रेडी कर ली है ऑलरेडी हमने, आप उसको भी रख सकते हैं। और ये मैंने, ये मेरे पास एक्स्ट्रा कटिंग थी, मैं उस पर आपको ये सिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से बुकरम के पीस दो रेडी करने हैं जो हम एंड में यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो शुरू में भी इसे पेस्ट कर सकते हैं इस वाइट फैब्रिक पे, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी, आपने इसको इस तरह गले के साथ साथ ड्रा कर लेना, इस बुकरम को इसको कट कर लेंगे हम इसी शेप में। ये हाफ इंच जो हमने सिलाई में लगाना है ऊपर से और साइड से, ये हमने यहाँ से बुकरम को छोड़ते हुए, उसके बाद हमने तकरीबन, ये देखिए 7 इंच लंबाई में हमने बुकरम लिया, और यहाँ से अब हम इसे गुलाई की शेप दे देंगे। से हमने इसकी शेप बना लेनी है, और ये बुकरम इस तरह से हमने कट करके रखनी है अपने पास। और इसे मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आपने इसे किस तरह से पेस्ट करना है अपने कॉलर को। एक जो अपने कॉलर को बहुत ही यूनिक और अच्छी लुक देने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। इस पीस को एंड में हमने यूज़ करना है। और ये बुकरम मैंने, गला जो बनाने के लिए हम बुकरम लेते हैं, आपने वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शुरू में लगाना चाहें तो फिर आपने इसे इस तरह से पेस्ट करके और फिर आपने इसके साथ पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पे ये जो हमने अपनी पट्टी को रेडी किया है, इस फैब्रिक को, ये देखिए इसकी तरफ पट्टी की सीधी साइड की तरफ इस तरह से हमने यहाँ पे फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे इसको मैंने फोल्ड कर लिया और दोनों साइड पे हमने दोनों पट्टी को इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब हमने अपनी ये जो शर्ट है इसकी, ये हमने उल्टी साइड रखी है जो आपको नज़र आ रही है, और उल्टी साइड पर हमने अपना जो पट्टी का एंडिंग पॉइंट है वो रेडी करना है। तकरीबन 1.7 इंच इसकी चौड़ाई है और 2 इंच इसकी लंबाई है बुकरम की। इसको हमने इस तरह से करना है और फिर हमने इसको सेंटर से फोल्ड करके यहाँ से कट करना है। इस, ये जो हमने कट का निशान है, ये बिल्कुल हमारी जो हमने सेंटर में से कट किया है वहाँ पे हमने इसे रखना है, और इस जगह पे हम इस बुकरम को पेस्ट कर देंगे अच्छे से। ये इस मेथड से जब आप पट्टी बनाएंगे तो आपकी पट्टी बहुत ही सफाई से बनेंगी, और बिगनर भी बहुत इजीली सफाई के साथ इस पट्टी को बना सकते हैं। अदरवाइज इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है और अक्सर ये टेढ़ी हो जाती है। हमने अपनी पूरी मेजरमेंट जो कि 11.5 इंचीज है वहाँ पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है, और यहाँ पे निशान लगाने के बाद हमने स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रा कर देनी है। इसके बाद हम अपनी कमीज को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। हमारी पट्टी तकरीबन 1 इंच चौड़ी है, उसका हाफ जो है हम तकरीबन 1/2 इंच लेंगे यहाँ पे, और 1/2 इंच पे यहाँ पे हम इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देंगे, और उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा करनी है ट्रायंगल की शेप में, और इस लाइन से हम अब कट करेंगे। अब इस ट्रायंगल को हम इस तरह से करते हुए यहाँ पे अच्छे से आयरन करके इसे बिठा लेंगे। तो ये देखिए, ये मैं अब आपको सीधी साइड से दिखा रही हूँ, ये इस तरह से हमारी शेप आ जाएगी। ये पूरा 1 इंच होना चाहिए जितना हमने अपनी पट्टी को चौड़ा रखा हुआ है। बाद हमने इसको पट्टी को इस तरह से रखना है, ये जो 1/2 इंच छोड़ा हुआ है हमने, इसके मुताबिक हम दोनों साइड पे इस तरह पट्टियाँ अटैच कर देंगे, और बुकरम के हमने साथ साथ सिलाई लगानी है। अपनी पट्टी को लगाना स्टार्ट करते हैं और दोनों साइड पर हमने इसी तरह से पट्टी अटैच कर लेनी है। और अब हम अपनी दूसरी साइड की पट्टी अटैच करेंगे, और जब हम दूसरी साइड की पट्टी अटैच करेंगे तो फिर हम नीचे से हमें शुरू करना पड़ेगा ताकि बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा सकें। तो ये देखिए, ये दोनों पट्टियों को इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। देखिए ऊपर तक ये बिल्कुल हमारी इस तरह से बराबर आएंगी, वाइट पट्टी भी। अब हमने इसको इस तरह से अच्छे से सेट करके और उसके बाद हम प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों पट्टियों को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया,
और इस तरह से नीचे की तरफ हमने इनको कर लिए, इनके सिरे जो थे। अब हमने इसको ट्राइंगल को साथ रखते हुए और यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है, जो हमारी ऑलरेडी लाइन ड्रा हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई झोल नहीं आया और बहुत ही सफाई के साथ हमारी जो पट्टियाँ वो लग के रेडी हो गई हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे पूरी हमारे जो कोट कॉलर की नीटनेस होती है वो ये इस पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे झोल नहीं आना चाहिए। वाइट फैब्रिक को हम साथ रखते हुए ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर 1.5 इंचज़ पर हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इसी तरह हम दूसरी पट्टी से भी मेजर करते हुए 1.5 इंचज़ का यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इन दोनों को इस तरह से मिला के हमने रखना है और जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे हमने कट कर लेना है, हल्का सा कट करना है। अब हमने अपनी शर्ट का बैक पार्ट लिया है और इसके ऊपर हमने इस तरह से अपनी फ्रंट साइड को रखना है और जो वाइट फैब्रिक है इसे हटाते हुए इस तरह से हमने शोल्डर्स को अटैच कर देना है। शोल्डर्स जो हैं वो अटैच हो चुके हैं और अब यहाँ से जो हमारा बैक गला है यहाँ पे हम हल्का सा यहाँ से कट करेंगे फैब्रिक को। ये बिल्कुल हमने थोड़ा सा फैब्रिक देख लें कि कट किया है और सेंटर में इस तरह से हम मार्क लगा देंगे। उसके बाद ये जो हमने निशान लगाया था 1.5 इंच का, उसके बाद से हम यहाँ से मार्किंग करेंगे अपना कॉलर लगाने के लिए। यहाँ पे हम तकरीबन 15 इंचज़ लंबी जो है वो बुकरम लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद ये देख सकते हैं कि इसकी जो बुकरम की लंबाई है वो तकरीबन 7.5 इंचज़ है, फिर जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4.5 इंचज़ है। 2.5 इंचज़ पर तकरीबन हम ये निशान लगा रहे हैं। ये बुकरम जो हम पैंचे बनाने के लिए यूज़ करते हैं ये वो वाली बुकरम है जो मर्दाना पट्टी में भी यूज़ होती है, उसका हम कॉलर बना रहे हैं। इसके बाद जितनी हमारी कॉलर की मेजरमेंट है 6.7 इंचज़, 13.5 का हाफ है, यहाँ पे हम एक मार्क लगाएंगे। अब ऊपर से हमें 16.7 इंच से तकरीबन 1/2 इंच हमने ज़्यादा रखना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे कॉलर की मेजरमेंट है और इससे तकरीबन 1/2 इंच हमने इस तरह से बढ़ा के रखते हुए मार्क लगाना है। और यहाँ पे हम एक मार्क लगाएंगे 1/2 इंच पर और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर। अब ये जो निशान लगाया है इसे हम एक लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद ये हम अपने कॉलर का भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, दोनों लाइंस को मिला देंगे हम। जो हमारे कॉलर की प्रॉपर शेप है वो बन गई, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा कॉलर कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपने कॉलर को इस तरह से फैब्रिक पे, एक्स्ट्रा फैब्रिक पे आपने इस तरह से रखना है और इसे इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। और आपने जो चौड़ाई वाली साइड है उस साइड पे आपने रखना है कॉलर को और पेस्ट करना है, फिर कॉलर की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। अब ये देखिए, हमारा जो कॉलर है वो पेस्ट हो चुका है और अब हमने तकरीबन बुकरम से 1/2 इंच छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। अब हमने नेक्स्ट फिर इसे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है और इसका नीचे वाला पार्ट भी इस तरह से कट कर लेना है। हमने बुकरम के साथ साथ यहाँ तक सिलाई लगानी है और इसके बाद यहाँ पर हम कट लगाएंगे इसे। और अब हम अपने कॉलर को इस तरह से सीधा करेंगे और इसकी जो नोक है इसे किसी नोकदार चीज़ से हम खोल लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारा कॉलर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। इसके सेंटर में भी मैंने इस तरह से कट करके और एक छोटा सा निशान लगा लिया है। अब आपने देखना है कि इसे हमने किस तरह से अटैच करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने यहाँ पे बहुत गौर से देखना है। अब हमने ये जो निशान लगाया है इस निशान से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है कॉलर की। इसे हमने इस तरह के शर्ट की सीधी साइड पे रखना है और बिल्कुल हमने यहाँ पे
कॉलर के साथ साथ बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है और इस कट तक हमने ला के सिलाई को छोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगाना कट से शुरू की है और शोल्डर तक मैंने सिलाई लगाई है, ये देखिए यहाँ पे। और जो सेंटर का पार्ट है, बैक साइड है, वहाँ पे मैंने अभी कॉलर को अटैच नहीं किया है। पे भी साइड से भी हमने शोल्डर तक कॉलर को अटैच कर दिया है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैं कॉलर बहुत सफाई के साथ आपको अटैच करने का तरीका बताऊंगी, आपने गौर से देखना है। ये देखिए यहाँ से भी हमने इसे अटैच नहीं कर किया। अब आपने क्या करना है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बैक के साथ इस तरह अटैच कर देना है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। पहले शोल्डर तक जो कॉलर अटैच किया है वो हमने कॉलर के दोनों पार्ट अटैच किए हैं। यहाँ पर जो हम अटैच कर रहे हैं हम सिर्फ कॉलर का नीचे वाला पार्ट जो है उसको अब बैक साइड के साथ अटैच कर रहे हैं, जैसे हम आम तौर पर कॉलर को अटैच करते हैं अपनी शर्ट के साथ। अब शोल्डर तक हमने इस तरह से पकड़ के कट करना है, इसे दोनों साइड पे निशान कट कर लेंगे हम। और अब हम इस यहाँ से जहाँ पे हमारी सिलाई एंडिंग हुई है शोल्डर के पास, वहाँ पे हम इस तरह से कट लगाएंगे। ये हम बैक गले पे कॉलर अटैच कर रहे हैं। अब हमने सिलाई को इस तरह अंदर करते हुए और बुकरम के साथ साथ कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाना है। देखिए हमारा जो बैक कॉलर है कितनी सफाई के साथ, ये बैक साइड से और इस साइड से देखिए कितनी सफाई के साथ ये पार्ट जो है हमारा वो अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हमने कॉलर को सिंपल जो है वो अटैच कर लिया, एक सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने इस वाइट फैब्रिक को इस तरह से पीछे की तरफ करते हुए इस तरह से हमने रखना है और जो सिलाई पहले हमने लगाई है जिसके साथ हमने कॉलर अटैच किया है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए साथ हमने वाइट कपड़े को भी रखते हुए और यहाँ तक जहाँ तक हमारा वाइट फैब्रिक जा रहा है वहाँ तक हमने अगेन सिलाई लगानी है। देखिए अब हम अपनी सिलाई को लगाना शुरू करते हैं। हमने बिल्कुल स्टार्ट से कोने से सिलाई को शुरू किया लगाना और इस फैब्रिक को हमने इसे बुकरम की तरफ टर्न करना है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने वाइट फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर लिया है। तो ये देखिए ये हमारी जो फैब्रिक है ये हमारी कॉलर के साथ हमने इसे अटैच कर लिया है। और उसके बाद ये बुकरम का पीस जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसे हमने कट करना है, अब हम इसको अच्छे से पहले अपने कपड़े को प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे अब हमने अपनी इस जो बुकरम है इसको अटैच करना है। बिल्कुल जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं उसके साथ साथ इसको आपने इस तरह रखना है और यहाँ पे वाइट फैब्रिक पे आपने इसे अटैच कर देना है। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और अपने जो किनारे हैं उन्हें किसी नोकदार चीज़ की मदद से अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे किनारे जो हैं वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गए हैं। हमारा कॉलर तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से वाइट फैब्रिक को करते हुए यहाँ पे आप तरपाई कर लें, यहाँ तक कर लें या नीचे तक भी आप चाहें तो इस तरह से आप तरपाई कर सकते हैं। देखिए इस साइड पे मैंने तरपाई कर ली है। तो ये देखिए हमने बुकरम अटैच कर ली है और ये हमारा बैक पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी सफाई के साथ हमारा कॉलर अटैच हुआ है। मैंने यहाँ तक तरपाई की है, आप चाहें तो इसे नीचे तक भी तरपाई कर सकते हैं ताकि हमारे धागे वगैरह ना निकलें। तो बहुत ही सफाई के साथ ये देखिए हमारा कॉलर जो है वो बन के रेडी हुआ है। हमारी फ्रंट साइड जो हमारी पट्टी पे बटन लग के और इस तरह ये रेडी होगी। जो आपको पट्टी नज़र आ रही है वाइट, हमने इसे 2 इंच तक मैंने इसे फोल्ड किया ऊपर से और नीचे से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल झोल नहीं है। बहुत सफाई के साथ हमारा जो कॉलर है वो बन के रेडी हुआ है और ये पॉकेट भी आप देख सकते हैं मैंने इसकी लगा ली है। ये भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं और आपने इसे आयरन करके इस तरह अच्छे से सेट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा।